हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? होप करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं बड़ी देर से। अभी शाम के 6 बज रहे हैं और शाम के 6 बजे से ही मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। आज का खास वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आज माता रानी के मंदिर में यहाँ पर जागरण चल रहा है, पूरी रात का जगराता होगा। तो हम लोग देखिए अभी माता रानी का भोग बना रहे हैं। गौर जी हैं, मैं हूँ, गुनू है और थोड़ा बहुत पब्लिक अभी यहाँ पे जो कार्यरत है ना, वही लोग अभी आने लगे हैं। आज नवमी का पर्व है तो नवमी के पर्व पे यहाँ पे माता रानी का विशाल जागरण का आयोजन किया गया है, जो पंडित जी मंदिर के जो पुजारी हैं मैन उनके द्वारा किया जा रहा है। तो हम भी माता रानी का भोग बना रहे थे और यहाँ पे देखिए माता रानी का दरबार कितना सुंदर सजा हुआ है। सामने माँ ज्वाला माता इतनी सुंदर लग रही है अपने भव्य रूप में। और अभी देखिए ये बाहर पर गोगापीढ़ी का मंदिर है। अभी गौर जी यहाँ पे भोग बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जो माता रानी का भोग बनता है बिना लहसुन प्याज के भोग बनता है यहाँ पे, और भाई लोग यहाँ पे पांडाल सजाने पे लगे हैं। ये देखिए बहुत ही प्यारा माता रानी का यहाँ पे पांडाल लग रहा है। लक्ष्मी माता की मूर्ति बहुत ही प्यारी लग रही है। और ये मंदिर के पुजारी जो हैं उनके बेटे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। ये मेरे को कह रहे थे कि आपके साथ हेल्प कर दूँगी कुछ। तो ये पांडाल सज के तैयार हो गया है। यहाँ पे पूजा अर्चना के द्वारा माता रानी में प्राण प्रतिष्ठा डाली जाएगी और यहाँ पे ज्योति प्रज्वलित किया जाएगा। तो पंडित जी यहाँ पे मंत्रोच्चारण के द्वारा यहाँ पे ज्योत जलाएंगे माता रानी की, जो पूरी रात जगती रहेगी। माता रानी की ज्योत जलती रहेगी और मूर्ति में जो प्राण प्रतिष्ठा पड़ती है, तो अभी वही पूजा अर्चन हो रहे हैं। विधि विधान से माता रानी की पूजा हो रही है और अब देखिए जागरण शुरू हो गया है। रात के 9 बज रहे हैं और माता रानी की यहाँ पे एक सैलाकुई वालों के द्वारा सुंदर सी झांकी प्रस्तुत की गई है, जिसमें शेर के ऊपर माँ शेरावाली सवार होके आई है। शेरावाली मैया की जय हो। माँ शेरावाली शेर पे सवार होती है, इसीलिए माता रानी को माँ शेरावाली भी कहा जाता है। और देखिए वो जंगल के राजा मेरी माता को लेके आजा साउंड चल रहा है और सारे भक्तजन मगन होके माता रानी का गुणगान कर रहे हैं। बहुत ही भव्य तरीके से यहाँ पे माता रानी का जागरण हो रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। यहाँ पे माता रानी अपने काली रूप में तांडव करते हुए देखिए माता रानी का ये भयंकर अवतार। माता रानी यहाँ पे तांडव करते हुए जब असुरों का वध करके माता रानी को रक्त की प्यासी हो गई तो माता रानी तांडव करने लगी। तब भोलेनाथ जी ने आके माता रानी के क्रोध को शांत किया। भोलेनाथ माता रानी के पैरों के नीचे आ गए, तब जाके माता रानी का क्रोध शांत हुआ। तो यहाँ पे माता रानी अपने क्रोधित अवतार में तांडव कर रही है भोलेनाथ के साथ। छोटी सी प्रस्तुति, बहुत ही सुंदर झांकी। बीच बीच में यहाँ पे भजन कीर्तन भी हो रहे हैं। पब्लिक धीरे धीरे अपने घर को जाना स्टार्ट हो गई है क्योंकि रात के 1 बज रहे हैं और देखिए अब बहुत ही कम लोग रह गए हैं। और यहाँ पे राधा रानी की बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, और ये झांकी पता नहीं मुझे कहाँ की थी, बट राधा रानी का बहुत ही सुंदर यहाँ पे नृत्य दिखाया गया और कान्हा जी के साथ भी राधा रानी का नृत्य दिखाया जाएगा। यहाँ पे साउंड चल रहा है, राधा रानी मेरी है, मेरी है, मेरो है बरसाना। तो बहुत ही प्यारा राधा रानी का भजन भी है और राधा रानी भी बहुत ही प्यारी लग रही है। बहुत ही सुंदर नृत्य राधा रानी का यहाँ पे देखने को मिला। और अब कान्हा जी भी आ गए हैं और कान्हा जी के साथ राधा रानी का नृत्य दिखाया जाएगा। तो ये देखिए बहुत ही प्यारी जोड़ी राधा रानी और कृष्णा जी की। कृष्णा जी तो है ही नटखट। तो देखिए कितनी प्यारी सी झांकी यहाँ पे सैलाकुई वालों ने दिखाई है, बहुत ही अच्छा लगा। अभी रात के 2 बज रहे हैं क्योंकि कीर्तन भी हो रहे हैं, बीच में झांकियाँ भी दिखाई गई। जागरण तो पूरी रात चलता है और अभी पब्लिक भी चली गई है, कुछ कुछ ही रह गए। हम तो पूरी रात जागे हैं और अब देखिए सुबह के 6 बज गए हैं और 6 बजे यहाँ पर वीर बजरंग बली बलवान
बजरंग बली जी की झांकी दिखाई गई और वीर हनुमान जी देखे अपने विशाल काय शरीर के साथ सामने गुन्नू देखे कैसे देख रहा है। गुन्नू भी सोच रहा होगा बजरंग बली का ये विशाल अवतार देखे। जय हो वीर बजरंग बली की। और नटखट वीर हनुमान जी अपने नृत्य दिखाते हुए अपनी कला को दर्शाते हुए यहाँ देखिए और यहाँ पे चल रहा है कि चुटकी बजाए हनुमान चुटकी साउंड चल रहा है। और कुछ कुछ ही लोग रह गए थे हम सुबह तक, क्योंकि देखो पब्लिक को भी काम होता है, लोग स्कूल जाते हैं, बच्चे कुछ ऑफिस वाले तो है, सोना भी ज़रूरी है। हम लोग तो पूरी रात जगते रहे सुबह। अभी हालत ऐसी हो गई थी, बिल्कुल से टाइट हो गई थी साढ़े की। फिर यहाँ पे बजरंग बली के ये झांकी दिखाने के बाद यहाँ पे बजरंग बली का टीका होगा। अब यहाँ पे टीका के लिए बजरंग बली, अब लोग भाग आके टीका करेंगे। औरतें बजरंग बली को नहीं छू सकती हैं, लेडीज़ कोई भी नहीं छू सकता है, कन्या छू सकती हैं बस। यहाँ पे लिखा भी है कि बजरंग बली की मूर्ति को हाथ लगाना। बजरंग बली का टीका होने के बाद यहाँ पे माता रानी की आरती हुई और माता रानी के आरती होने के बाद हम लोग भी घर चले गए। सो बहुत ही अच्छा था ये जागरण माता रानी के साथ। माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करे, माता रानी का आशीर्वाद बना रहे और इसी हर्षोल्लास के साथ अगले साल भी माता रानी हम लोगों के बीच आएगी। हम लोग बहुत ही भव्य तरीके से माता रानी का स्वागत करेंगे। सो गाइस इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। सो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।